चलिए अच्छा, आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा नहीं, मैं दो तीन निच आप ऐसे बताइए जिस निच में आपके हिसाब से लोग जाना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, ज़्यादा अर्निंग मिल जाएगी। एक एक वर्ड लिखने का आपको 8 रुपये चार्ज आप ले सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा, 8000 रुपये आपके पास आ गया। मेरे दोस्त, आज किस वीडियो से मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने वाला हूँ जिसके पास कभी बाइक में तेल डलाने का पैसा नहीं था, आज वो बंदा ऑनलाइन कमाई करके अपनी खुद की 4-व्हीलर खरीदा। और आज किस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सीखने को ये मिलेगा कि ब्लॉगिंग वेबसाइट आप गाँव में रहकर एक मोबाइल से कैसे बना सकते हो, कैसे ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका वेबसाइट नहीं चलता, अगर मान लो आपने 6 महीने मेहनत किया और ब्लॉगिंग से कुछ भी नहीं हो पाया आपका, फिर भी आप बिना कुछ किए पैसे कैसे कमा पाओगे, ये भी आज आपको बताएंगे कि आप दूसरों के लिए भी काम करके पैसे कमा सकते हो। आज कंप्लीट डिटेल दूंगा ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जरा अपने बारे में बताओ कि आपका नाम क्या है और एक्चुअली अभी आप करते क्या हो। तो मेरा नाम हिमांशु पाठक है और मैं पहले भी रोहित भाई के चैनल पे आ चुका हूँ, और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब करता हूँ, क्लाइंट वर्क भी मेरा है और मैं ऑफलाइन ब्रांचेस भी वो कर रहा हूँ, और मैं अपना रिसेंटली अभी स्टार्टअप भी ओपन किया हूँ। अच्छा, अभी ये बताइए आपकी एज कितनी है? हमारी एज अभी 19 है। 19। और आप ये बताइए कि आपके अंडर अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब कितने लोगों की टीम है आपके अभी? मेरे पास पहले 8 थे लेकिन अब 10 हो गए हैं। 10 लोगों की टीम है। जिस उम्र में लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, उस उम्र में ये भाई साहब खुद रोजगार दे रहे हैं। सोचो हिमांशु भाई, क्या आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री है? नहीं, मेरे पास डिग्री नहीं, मैं 10th पास आउट हूं और मैं अभी पॉलिटेक्निक कर रहा हूं। सोचो, एक पढ़ने वाला बंदा यहां तक पहुंचा, अभी आपको भी पूरी कंप्लीट डिटेल दिखाने वाले हैं। क्या आप अमीर घर से हो? मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे फादर का थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा घर से पैसे नहीं लेना चाहता था, तो मैं अपना खुद से सीख के, खुद से मैंने स्टार्ट किया है, जो किया है खुद से मैं सीख के, उससे पैसे कमाया है, उसी से स्टार्ट किया है। चलिए, आज मैं आपको बहुत सारे डाउट है, क्योंकि अगली बार जब आप आए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए थे। ऑडियंस इतना भाई तंग किया, इतना ज़्यादा कमेंट किए कि रोहित सर आपने ये सवाल नहीं पूछा, ये सवाल नहीं पूछा, हम यार दोबारा लाएंगे, क्योंकि जो चीज़ ऑडियंस को चाहिए वो मुझे लाना पड़ेगा। तो फिर मैंने हिमांशु भाई को दोबारा कॉल लगाया और बोला, यार हमारे ऑडियंस के कुछ डाउट है, मैं लिख के लाया हूँ, आज डाउट पूछूंगा। तो जरा सा ये बताइए, पहले जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देना चाहूँगा। तो जरा सा बताइए अपनी स्टोरी क्या है, कैसे है, थोड़ा शॉर्टकट में बताइए ताकि जो नए लोग हैं वो जान सके आपके बारे में। मेरा कंडीशन यही था कि ऑनलाइन यही मेरे पास ना कोई पैसे था, मैं घर से मांगता पैसे तो उनको जवाब देना पड़ता कि क्या करने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो मैंने अपने दोस्तों से मांग के मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है। दोस्तों से मैंने उधार लेके वेबसाइट का जो डोमेन होता है वहाँ पे खरीदा। मैं पहले यूट्यूब पे एक्टिव था, फिर यूट्यूब से मैं ब्लॉगिंग आया, उसको सीखा। सतीश कुशवाहा एक हैं, वो भी मुझे गाइड करते गए, उनके वीडियो भी देखता गया, मैं यूट्यूब से पूरा सीखता गया और वहाँ से मैं स्टार्ट करता गया, और मैं ब्लॉगिंग से करता, ब्लॉगिंग से जो स्किल सीखा था उससे भी मैं पैसे कमाता हूँ। अब सोचो कि ऑनलाइन देख कर, ऑनलाइन सीख कर और ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, कितना आसान चीज़ें, कोई डिग्री भी नहीं है बहुत बड़ी। यार वेबसाइट बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जमाना एकदम सिंपल हो गया, बस आप करना चाहो। पहले होता था एक वेबसाइट बनाना बहुत बड़ा हुआ होता है, आज एक वेबसाइट बनाना एक खिचड़ी बनाने से भी आसान हो गया है। घर पे खिचड़ी बनती है ना, वो खिचड़ी बनाने से भी आसान हो गया आपको वेबसाइट बनाना, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। लोग कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, ये मैं भी कहता था जब मेरे पास ऑनलाइन के अर्निंग के सोर्सेस नहीं पता थे, तो वहाँ पर लोगों की गलती नहीं थी, गलती मेरी खुद की थी। जब मैंने सीखा आज पहुंचा हूं, वही गलती आप कर रहे हो। आपको भी ऑनलाइन अर्निंग का अंदाजा नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग से कितना पैसा कमाया जा सकता है, ऑनलाइन अर्निंग से कोई कितना पैसा छाप रहा है। आज जब देखोगे तब सीखोगे। तो चलिए, इनकी स्टोरी तो हो गई, अब जरा सा कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, मैं आज आपसे पूछता हूं हिमांशु भाई। तो सबसे पहला सवाल हमारी जो ऑडियंस का था कि आपने ये सफर कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया? मैंने सफ़र ऐसे स्टार्ट किया कि मैंने बताया ना कि मैं यूट्यूब करता था, मेरा दोस्त ब्लॉगिंग करता था, तो मैं क्या किया, ब्लॉगर पे पहले डोमेन लिया, डोमेन लेने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं घर से मांगता तो मिल तो जाता लेकिन घर पे मुझे जवाब देना पड़ता कि पैसे किए क्या, तो मैंने अपने दोस्तों से उधार मांगा और 235 रुपये में एक डोमेन खरीदा,
जिसको ब्लॉगर से मैंने कनेक्ट किया, ब्लॉगर में ही अपना स्टार्ट किया। जब ब्लॉगर से अच्छा खासा एडसेंस अप्रूवल भी लिया, वहाँ सीखा 6-7 महीने तो मुझे लग गया सीखने में, 1.5 साल मान के चलिए सीखने में लग गया, 6-7 महीने तो मैं इसको ब्लॉगिंग को सीखने में अप्रूवल लेके मान के चलिए 1 से ऊपर ही हो गया। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई थी एक साल के आसपास में आई थी $144 की, जो कि ब्लॉगर से आई थी, ब्लॉगर पे मेरी वेबसाइट थी, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करते गया। उसके बाद जब मैंने ब्लॉगिंग सीखा था, मैं सोचा इस स्किल्स का कैसे यूज करके मैं और पैसे बना सकता हूँ, तो मैं लोगों के लिए काम करने लगा। मतलब आप जहाँ मिले वहाँ से आपने पैसा कमाया, और अभी आपकी मंथली सैलरी कितना है ये भी आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा, किस तरीके से कहाँ कहाँ से आप पैसे निकाल रहे हो ये भी बताइएगा। लेकिन जरा सा हमारे पास जो ऑडियंस है हमारी वो यूट्यूबर हैं, एंड मैं ये मान रहा, मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास टाइम है तो आपको और चीज़ें काम करो, तो जरा सा आप ये बताइए कि ब्लॉगिंग और यूट्यूब वीडियो में क्या अंतर है, क्या आपको खास पास लगता है ब्लॉगिंग में? जैसे हम और रोहित भाई यहाँ पे कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं, तो वो यूट्यूब का हो गया कि मतलब कैमरे के सामने बोलिए या तो आप अपना जो भी आता है आपको लोगों को सिखाइए, एक यूट्यूब हो गया। ब्लॉगिंग में भी आप लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल से लिख के अपना कॉन्टेंट लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बस इतना फर्क है, यूट्यूब में वीडियो बनाना पड़ता है, ब्लॉगिंग में वेबसाइट बना के जैसे आर्टिकल, जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं एक तरह से, वैसे ही एग्जाम्पल मैं दूँ वैसे लिखना पड़ता है ब्लॉगिंग में, वैसे ही लोगों को कंटेंट देना पड़ता है, बस यही। और ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छा सेटअप, लाइट हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अपना फेस भी नहीं दिखाइएगा तो भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सर जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक, हमको भाई लाइट चाहिए, ये चाहिए, एडिटिंग करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, कैमरा चाहिए, लेकिन ब्लॉगिंग में क्या है, अगर आपके पास एक मोबाइल है, चाहे उस मोबाइल का डिस्प्ले ही टूटा क्यों ना हो थोड़ा बहुत, उससे आप पैसे कमा सकते हो। हमको वीडियो बनाने के लिए, एक यूट्यूबर को वीडियो बनाने के लिए भैया अच्छा सा सेटअप चाहिए, और अगर आप वही ब्लॉगिंग करते हो तो आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, कपड़ा पहने हो कि नहीं पहने हो, कहीं भी बैठकर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर केवल आपका उंगलियों का कमाल होगा, आप लिखोगे, लोग आपका लेख देखेंगे कि आप जो लिखे हो, जो लोगों को दिखा रहे हो, लेख से दिखा रहे हो, लिख कर दिखा रहे हो लोगों को। और यही हिमांशु भाई लोगों का वेबसाइट है, अब इनकी वेबसाइट किस नीच पर है ये भी आपको बताएंगे, और आप किस नीच पर काम करना चाहिए आपको ये भी आज आपको बताएंगे। तो हिमांशु भाई एक अगला सवाल ये है, तो हिमांशु भाई ये बताइए, चलिए स्टार्टिंग करते हैं जीरो लेवल से, जो नए ब्लॉगर बनना चाहते हैं उनके लेवल से जीरो से स्टार्ट करते हैं, एडवांस तक चलते हैं, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आप जरा से ये बताइए। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, डोमेन चाहिए, जो कि आपको 600-700 रुपये में डोमेन मिल जाएगा। आप अगर नहीं सीखे हैं तो आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाइए, ब्लॉगर पे सीखिए पहले कैसे सीखा जाता है, मेरा ऐप भी आ गया है वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, उसमें भी मेरी टीम सिखाती है और मैं भी सिखाता हूँ, टीचर्स हैं मेरे सिखाते हैं, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। पहले ब्लॉगर पे आप साइट बनाइए, आपको कोई पैसे नहीं लगे, 600-700 रुपये, मैंने 235 रुपये में एक डोमेन लिया था, वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। और बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। मैं अपना जो नहीं बताऊँ, मेरे पास मोबाइल एक गत का नहीं था, सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्लान फ़ोन था, वो भी मैंने सेकेंड हैंड लिया था, वहाँ से मैंने अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट की। मैं लिखते गया आर्टिकल, अच्छा खासा ट्रैफिक आता गया, पैसा आया, तो ब्लॉगर से मैंने वर्डप्रेस पे शिफ्ट किया, ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई। तो इसलिए ब्लॉगर पे जाइए, अगर आप सीखने तक जाते हैं तो ब्लॉगर पे जाइए, बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोगों के लिए आप काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। अब लोगों के लिए कैसे काम करना ये भी आज आपको बताएंगे कि आप लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हो, ये भी आज आपको पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए, देखिए मैं आपको डाउट बता देता हूँ जो नए यूट्यूबर हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि blogger.com क्या है, कि blogger.com गूगल का फ्री वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको ना ही डोमेन लेना होगा, ना ही होस्टिंग लेना पड़ेगा, फ्री ब्लॉगर पे बिना लगाए ब्लॉगर पे आप लोग बिना डोमेन लिए काम कर सकते हैं, कोई ब्लॉग स्पॉट का बस एरर आ जाता है, लेकिन डोमेन ले लिए तो अच्छा रहेगा, 600-700 रुपये आपको लगेगा, डोमेन ले लिए तो अच्छा रहेगा। सही बात है, और वहीं वर्ल्डप्रेस में आप जाएंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ जाएंगे, जैसे डोमेन और होस्टिंग लेना है तो बहुत सारी चीज़ें वर्ल्डप्रेस पे आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ही लेना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके वहाँ से आप ले सकते हो, होस्टिंग कर सकते हो, होस्टिंग और डोमेन खरीद सकते हो। तो जरा सा हिमांशु भाई ये बताइए, जैसे नीच क्या होना चाहिए, जैसे लोग आए, ठीक, नए ब्लॉगर जैसे आ रहे हैं, तो उनको किस फील्ड में ज़्यादातर लिखना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए उन्हें?
देखिए मैं फील्ड कंपटीशन तो है, लेकिन आप जो आता है ना आपको वो आप सिखाइए लोगों को। आपको ऐसा तो आप अपने ऊपर जाके क्या आपको स्किल आता है। यूट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में हम लोग को जो आता है वो लोगों तक सिखाते हैं। तो ऐसे जो आए उसी से आप पोस्ट डालिए, आपको नॉलेज दीजिए, उसके बाद आप वो करिए। पहले सीखिए, पहले कैसे करते हैं इसको पहले सीखिए, उसके बाद जाइए इन सब चीज़ों में। जो आपको आता है वही करिए, जरूर नहीं। कॉम्पिटिशन तो हर एक कोई में है, लेकिन आप 10 अपने नीच के ब्लॉगर को पकड़िए, देखिए उनका भी है 11 नंबर पे आप होंगे। तो इसीलिए जो आपको आता है वो अपने में उसमें डालिए, कंटेंट में। ऐसा ना एक कुछ भी डाल दिए, अच्छा कंटेंट रहना चाहिए तो ही मतलब आप कर सकते हैं ब्लॉगिंग सक्सेसफुल हो सकते। चलिए सर, आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा नहीं, मैं 2-3 नीच आप ऐसे बताइए जिस नीच में आपके हिसाब से लोग जाना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, ज़्यादा अर्निंग मिल जाएगी। आपके हिसाब से कोई ऐसा 1-2 नीच होगा ना? देखिए बिजनेस में भी आप कर सकते हैं, बिजनेस में भी। न्यूज़ में चल जाइए, न्यूज़ में बहुत ट्रैफिक है, न्यूज़ वेबसाइट है अगर आपकी, लेकिन न्यूज़ वेबसाइट को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। न्यूज़ वेबसाइट से डिस्कवर से भी ट्रैफिक आता है। अभी रिसेंटली में एक मैं ब्लॉगर से मिला हूँ जिनका 5 मिनट में लाखों ट्रैफिक आ रहा है न्यूज़ वेबसाइट से। तो न्यूज़ में भी आप वेबसाइट आप अपना ब्लॉगिंग कर सकते हैं एक तरह से कहिए। न्यूज़ वेबसाइट में बहुत स्कोप है इस समय, क्योंकि न्यूज़ हर कोई पढ़ना चाहता है, इसीलिए न्यूज़ में भी आप लोग जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी आप चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत कम कंटेंट है, उस पर भी आप जा सकते हैं। बहुत से तरीके, स्पोर्ट भी आप जा सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट में थोड़ा सा कंपटीशन आपको मिल जाएगा। जैसे करने का मतलब है न्यूज़ में ज़्यादा ऑडियंस मिलती है, भाई ऑडियंस ही बात है। न्यूज़ हर कोई, जैसे कुछ भी हो रहा है, अब देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है ना कि जो न्यूज़ बड़े बड़े चैनल हैं उनसे मत डरो, क्योंकि वो कुछ लोगों को ही पकड़ पाते हैं और बहुत सारे समुद्र छूटा होता है, वहाँ से आप न्यूज़ लीजिए। और देखिए मैं न्यूज़ जो भी न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहता है आप लोग बनाइए, आपका अगर कंटेंट अच्छा होगा ना तो जो आपके बड़े न्यूज़ वाले भले ही हैं लेकिन आपको गूगल आगे रैंक करेगा। अगर आपका कंटेंट में दम होगा तो आपको ऊपर करेगा। मैंने अभी मेरा एक रिसेंटली दोस्त है, मैं बता 10 से 15 दिन हुआ उसका वेबसाइट ओपन किए, उसका जो न्यूज़ डाला था, एक न्यूज़ डाला था कुछ भोजपुरी का मुझे याद नहीं आ रहा है, वो न्यूज़ रैंक हो गया, अच्छा खासा उस पर ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन ये है न्यूज़ पे आप लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा उस पे न्यूज़ पे। और जो ऑडियंस आ रही है ना, पुश नोटिफिकेशन एक होता है प्लगइन, उससे आप लोग कैच कर लिए ऑडियंस को। तो आपकी आप जो भी न्यूज़ डालेंगे, जैसे यूट्यूब में आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाता है, वैसे पुश नोटिफिकेशन एक प्लगइन होता है, उसका आप यूज करिए न्यूज़ वेबसाइट अगर आपकी है। तो जो ऑडियंस आपको आ रही है, मान लीजिए कि आपने कोई डाला पवन स्टार का एक न्यूज आया, आप लोगों ने डाल दिया पवन स्टार का न्यूज, तो जो ऑडियंस आ रही है ना उसको कैच करके रखिए। कैच कैसे होगा, सब्सक्राइब बटन में एक पुश नोटिफिकेशन प्लगइन आता है, उसको लोग एक्टिव दबा देते हैं, तो जो आप न्यूज डालिएगा वो लोगों के पास जाएगा। तो ऐसे ऑडियंस को कैच करके रखिए। अच्छा, एक दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो कोई बंदा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक, तो जैसे कि 6 महीने ब्लॉगिंग किया, उसके बाद जैसे उसके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं जा रहा है, उसका मेहनत डांट जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है अगर उसकी वेबसाइट नहीं चला तो? वो अपने एक्सपीरियंस को कहाँ यूज ले सकता है? देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो आप कुछ तो सीख जाएंगे, जैसे वेबसाइट बनाना, कैसे वेबसाइट बनाते हैं ये भी तो आप सीख ही जाएंगे। कंटेंट राइटिंग होता है, कंटेंट राइटिंग आप सीख ही जाएंगे। एसईओ कैसे वेबसाइट को रैंक कराना ये भी चल जाएंगे। अगर आपका एडसेंस अप्रूवल, अगर ज़्यादा इनकम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैफिक आपको लग रहा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आपका पोस्ट नहीं रैंक कर पा रहा है, तो स्किल का यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। लोगों के लिए आप कंटेंट, जैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ ना, मैं वर्क नहीं करता हूँ, मैं ऑटो पायलट पर मेरी वेबसाइट अभी चल रही है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली अभी एक स्टार्टअप किया हूँ उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैं करता हूँ ऐसा नहीं करता हूं, तो मैं कंटेंट राइटर से मैं आर्टिकल लिखवाता हूं अभी टाइम पे, तो कंटेंट राइटर को क्या है, मैं पैसे देता हूं। इसीलिए आप लोगों के लिए काम करके पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक वर्ड जो आर्टिकल जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगा, एक एक वर्ड लिखने का आपको 8 रुपया चार्ज आप ले सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा, 8000 रुपया आपके पास आ गया। तो ऐसे ही बहुत है, अभी स्टार्टिंग में इतना चार्ज करिए, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो पैसे में चार्ज करिए, उस पैसे को बढ़ाते बढ़ाते आप ले जाइए, तो इससे भी अगर आप लोग ब्लॉगिंग सीखे हैं तो पैसे कमा सकते हैं। सही बात है, आपके अंदर जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा उतना ही आप अपने काम का प्राइस बढ़ा सकते हो। देखिए कोई भी कंपनी अगर हम लोग को जॉब ही देती है, मान लीजिए हम लोग कहीं कंपनी में जॉब देने आते हैं, तो आप सीखे रहेंगे तो ही ना जॉब देगी। तो सीखे हैं तो उस स्किल का यूज करिए, स्किल से ही लोग पैसे कमाते हैं, उस स्किल को यूज करिए। एक ही मिनट जाइए, मैं ब्लॉगिंग करता तो मैं शायद इतना पैसे मैं नहीं बना पाता, मैं इतना चीज नहीं कर पाता, मैं और भी वर्क करता हूँ ब्लॉगिंग के अलावा, भी बहुत से वर्क करता हूँ, जैसे कि लोगों के लिए क्लाइंट करना, लोगों का बात करना, यूएस की क्लाइंट अगर आप ढूंढ लीजिए, यूएस की क्लाइंट में अच्छा खासा पैसे मिलते हैं अगर उनकी वेबसाइट। क्लाइंट के लिए काम करते हो? हाँ, मैं क्लाइंट के लिए काम करता हूँ। अच्छा, तो जैसे मान लो, जैसे कि मान लो कोई नया ब्लॉगर है, हमारी जो ऑडियंस है, अगर वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्लाइंट कहाँ पर मिलेगा, कैसे क्लाइंट को ढूंढ सकता है वो?
देखिए आपको पहले एक सेलेक्ट करना है आपको किस लिए वेबसाइट आपको करने के लिए चाहिए क्लाइंट की, आपको कौन सा, आपको अपने ऊपर देखना आप क्या कर सकते हो। तो आपको मान लिया आर्टिकल लिखना, आपको पता है कि आप आर्टिकल जो लिखेंगे वो रैंक करेगा, तो आप फेसबुक पे चले जाइए, ठीक है। फेसबुक पे आप जाइए, कंटेंट राइटिंग ग्रुप सर्च करिए, फाइबर पे बहुत लोग बोलते हैं फाइबर और फ्रीलांसर पे जाइए, लेकिन वहाँ पे जल्दी जॉब नहीं मिल पाता है, इसीलिए आप लोग फेसबुक का यूज करिए। कंटेंट राइटिंग जॉब डालिएगा तो वहाँ पे एक एक ग्रुप में 40,000-50,000 मेंबर हैं, और वहाँ पे जैसे कि मुझे ये अगर कंटेंट राइटिंग चाहिए रहता है, मैं फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ आई नीड अ कंटेंट राइटर, तो वहाँ पे आप लोग जो पोस्ट किए हैं जाइएगा तो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लोग लिखे रहेंगे आई नीड अ कंटेंट राइटर, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बात करिए, वो आपको जरूर वर्क देंगे। लेकिन एक और फेसबुक का एक बैड वो भी है कि बहुत लोग वहाँ फ्रॉड मिल जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्मार्ट थोड़ा सा आप लोगों को बनना पड़ेगा, इतनी तो समझदार आप लोग हैं। अच्छा, तो अगर वो क्लाइंट से कितना पैसे लेते हो, जैसे क्लाइंट आपके पास आता है तो क्लाइंट जैसे कितने पैसे डिपेंड करता है किस नीच से साइट है। मैं वेबसाइट पे भी वेबसाइट भी बना के दे देता हूँ। अगर मैं सबसे अच्छा बताऊँ, अगर आप लोग ब्लॉगिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो वेबसाइट तो जाहिर सी बनाने आ गया होगा एलिमेंटर से, अगर नहीं आ रहा तो सीख लीजिए वेबसाइट कैसे बनता है। मैं क्या किया था स्टार्टिंग में, मैं जब आ गया था ब्लॉगिंग से, मैं पैसे कमाने लगा था, तो मैंने सोचा कि और क्या क्या कर सकते हैं जिससे पैसे बने, तो मैंने वेबसाइट बनाने मुझे आता था, कंटेंट राइटिंग आता था, ये सारा चीज़ आता था। तो मैं क्या किया, मैं अपने ही आसपास के घर के आसपास के लोगों को मैं अप्रोच किया कि आप मुझसे ये वेबसाइट, आपका वेबसाइट नहीं है, मैं आपको बना के दे देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आप भी यही करिए, आपके आसपास के लोगों के दुकान पे आप जाके विजिट करिए, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो दुकानी वाले आपके आसपास ही वाले आपको काम देंगे, ठीक है। अब उनका वेबसाइट बना के दीजिए, अगर एक वेबसाइट का 10,000 रुपया चार्ज लेते हैं, 10 लोगों का वेबसाइट बनाएंगे 1,00,000 रुपया हो गया, और उस वेबसाइट 1,00,000 रुपया वहां तक ही नहीं हुआ आपका। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट बना दे देता हूँ, अब वेबसाइट वो बंदा बनवा रहा है तो उसको मैनेज करने तो आएगा नहीं, तो मैनेज तो मुझे ही करना पड़ेगा। आप 2,000-3,000 ऐसे चार्ज ले सकते हैं, मान लीजिए 2,000 रुपये ही आप एक महीने का चार्ज ले रहे हैं, 10 लोगों का वेबसाइट आप मैनेज करवा रहे हैं, 20,000 रुपये आपका एक पैसिव इनकम हो गया, इतना तो जॉब में भी जॉब मिलता है। तो इसीलिए स्किल का यूज करिए, बहुत फायदा है इसका। सही बात है, क्योंकि देखिए मेन यही है कि जितने भी ऑडियंस, अगर आप ब्लॉगिंग सीख जाते हो, वेबसाइट बनाना सीख जाते हो, और सारा कुछ आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो। अब देखिए, अगर आपको भी ये सब सीखना है तो कहाँ से सीख सकते हो, ये सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा मैं एक मोटिवेशन आपको देता हूँ। हिमांशु भाई की मैं जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इन्होंने ब्लॉगिंग के पैसे से क्या क्या अचीव किया, और अभी अभी पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। तो हिमांशु भाई, ये बताइए जरा सा, क्या क्या आपने खरीदा है और कहाँ इन्वेस्ट किया हो पैसा? मैंने ब्लॉगिंग से भी किया है, कुछ क्लाइंट्स वर्क से भी किया है, यूट्यूब से भी मैंने एड्स से किया है, मैंने कई तरह से इनकम करके, मैंने रिसेंटली में अभी कार लिया है, उसके बाद मेरा खुद का एक ऑफिस है, मेरे पास आईफोन कैमरा, ये सब जो भी है ऑनलाइन फील्ड ऑनलाइन वर्क की वजह से हो गया है, मैं ऑनलाइन ही कमा के मैं सारा कुछ किया हूँ। और ये वही लड़के हैं जो कभी दोस्त थे, 200-250 रुपये उधार लेकर ब्लॉगिंग। मैं रोहित भाई आपको बताना चाहूँगा, आपने दोस्त से मैं 100-100 रुपये दो दोस्त से लिया था, और ग्रीन स्क्रीन जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए होता है वो मैंने 100 रुपये एक दोस्त से लिया था, तो मैं जाके वहाँ पे यहाँ तक पहुँचा, मैं दोस्तों से उधार लिया, क्योंकि मैं घर से लेता तो घर वाले, आप भी जानते होंगे, अगर जो न्यू ऑडियंस होंगी वो भी जानते होंगे, घर से पैसे लेंगे तो घर वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं तो बोलेंगे क्या कर रहे हो पैसे का, इसीलिए मैंने दोस्त से उधार लिया, तो वहाँ से मैंने डोमेन किया, वहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया। आज आप महीने का कितना कमाते हो, अगर राउंड फिगर में आप बताओ, जिससे मोटिवेशन मिले, तो राउंड फिगर कुल मिला के टोटल एक घुमा फिरा के नहीं एकदम घुमा है, डायरेक्ट बताइए कितना कमा लेते हैं, कितने का मेरा अच्छा खासा इनकम निकल जाता है। मैं आईफोन 14 प्रो मैं आसानी से बाई कर सकता हूँ, दो आईफोन 14 प्रो मैं आराम से बाई कर सकता हूँ एक महीने की कमाई से। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ। तो आईफोन 14 मैक्स प्रो कितने का है, आईफोन के 2 लाख के है, अब जो भी हो मैं इतना कर लेता हूँ 1 लाख। आप लोग कमेंट करके बताओ यार, ये दो आईफोन 14 मैक्स प्रो खरीद सकते हैं एक महीने की कमाई से, तो महीने का पेमेंट कितना आप लोग करोगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं आईफोन 14 मैक्स प्रो। मैं देखिए मैं बहुत लोगों का वेबसाइट जो मैंने आपको बताया ना कि 10,000 रुपये आप लीजिए वेबसाइट बनाने का, वहाँ का मान लीजिए आपको 10 लोगों का वेबसाइट बना 1,00,000 रुपया हो गया आराम से, 10 दिन आप मेहनत करिए 1,00,000 रुपया आपको निकल के, मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाता हूँ, नहीं तो मैं खुद करता, तो इसीलिए मैंने टीम बढ़ा दिया है, अब पहले 8 लोग थे, 2 लोग और कर दिए हैं, तो अब 10 लोग हो गए हैं, तो वहाँ से मैं वेबसाइट बनवा के मैं डील करवाता हूँ, देता हूँ उनको, अब 5,000 रुपये मैं उनको दे देता हूँ जो वेबसाइट बनाते हैं, 5,000 मेरा मुझे बिना कुछ किए ही मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है मैंने सीखा, हाँ बिना मेहनत का नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे बात करना पड़ता है क्लाइंट से, बात करना पड़ता है कैसे चाहिए सारा चीज़, मान लीजिए अगर क्लाइंट का कुछ भी अगर दिक्कत हुआ तो मुझे ही ना पकड़ेगी, मान लीजिए मेरा ही नाम खराब होगा, इसीलिए बिना मेहनत का नहीं बोल सकते, मैं इसमें लगा रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेहनत का भाई, तो नाम मेरा क्रेडिट मेरा काम कोई और करा है तो मेरा काम है।
हाँ हाँ, तो वही मेरा काम है, मैं वो देता हूँ 5,000 रुपये। मैं जैसे मैं 10,000 ले लेता हूँ, 5,000 मैं 10 ही हज़ार एक वेबसाइट का नहीं लेता हूँ, मैं जस्ट डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट किसने चाहिए। जैसे कोई शॉप बनाया तो 20,000 चार्ज कर लिया, 30,000, यहाँ तक मैं आपको बता दूँ एक एक वेबसाइट बनाने का 50,000 आप लोग चार्ज कर सकते हैं अगर अच्छे से बनाते हैं तो। बहुत स्कोप है इसमें, अगर आप लोग जो सीखे हैं उसी को लोगों के लिए काम करके वो करिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप बताइए हमारे, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, तो एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जैसे मान लो जो नया है जिसको इस सब के बारे में नहीं पता, वो कहाँ कहाँ सीख सकता है, किससे किससे सीख सकता है? देखिए, मैं YouTube पे मैंने सीखा था, 1 से 1.5 साल लग गया था YouTube पे। मैंने जब किया था तो YouTube पे मैंने सर्च किया, एक एक चीज़ मुझे सर्च करना पड़ता था, डोमेन क्या होता है, डोमेन कैसे खरीदे हैं, फिर हॉस्टिंग क्या होता है, सब सीखते सीखते। इसीलिए मैं जब पैसे कमाने लगा तो मेरे आसपास के और मेरे रिश्तेदार बोलने लगे, तुम पैसे कमा रहे हो, हमको तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। अब मैं सबको कैसे बता सकता था, कैसे मैं करता, एक ही आदमी हूँ मैं, सबको कैसे सिखा सकता। इसीलिए मैंने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया, GKP वाला लोन एंड ऑन। उसमें मैंने ये किया है कि मैंने लाइव जो एक ट्यूशन फीस रहता, क्योंकि मैं फ्री कर देता तो फ्री का कोई वैल्यू नहीं है, लोगों का पैसा लगेगा तो लोग सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, 600 के अंदर में सभी कोर्स आप लोग 1 घंटा लाइव डेली सीख सकते हैं। ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, FBA मार्केटिंग हो गया, या क्लाइंट वर्क हो गया, 600 रुपये आप मंथली पे करेंगे। अगर रोहित भाई का एक कूपन कोड यूज करते हैं, रोहित राज मोटिवेशन, तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 1 महीने तक आराम से सीख सकते हैं, अगर 1 महीने अगर नहीं सीख पाते हैं फिर 500 दीजिए आप सीख सकते हैं ऐसे स्किल में। क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखता हूँ ना, लोग पर्टिकुलर सर्च करते हैं तो वीडियो आता है, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप आपको सिखाया जाएगा। मतलब आपने खुद का यार एप्लीकेशन ही लॉन्च कर दिया है? हाँ, मैंने अपना खुद का एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया, क्योंकि मुझे वही हो रहा था ना कि तुम पैसे कमा रहे हो तो हम लोग कैसे कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने वहाँ पे कर दिया है कि रोज डेली 1 घंटा वहाँ पे लाइव क्लास चलेगा जो भी अगर वो बाय करता है, और वहाँ पे लोग डेली सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही में 50 बच्चे 60 बच्चे हो जाएंगे, आप लोग 20-20 बच्चे का बैच बनेगा, वहाँ पे सीख सकते हैं। और कोई मान लीजिए कोई अगर बच्चा है जो मिस हो गया, उसका मान लीजिए आपने कोई कोर्स लिया, आपका तबीयत खराब हो गया है और उस दिन की क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आपके ऐप में ही GKP वाले में ही आपको मिल जाएगा उस दिन क्या बताया गया। क्या नाम है आपके एप्लीकेशन का, क्या नाम है? GKP है कि कैसे? हाँ, प्ले स्टोर पे है, GKP वाला लोन एंड ऑन। GKP वाला? हाँ, लोन एंड ऑन। GKP वाला रखने का मकसद ये था कि मैं गोरखपुर से हूँ, इसीलिए मैंने GKP वाला लोन एंड ऑन कर दिया कि मतलब सीखो और कमाओ। अच्छा, तो भाई इनके मैं एप्लीकेशन का बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे को ताजुब किया लगा यार, आप कोचिंग तो मान लो खोला आपने, कार खरीदा, ठीक है, आपने खुद का एप्लीकेशन ही लॉन्च कर दिया, ये बहुत मोटिवेशनल चीज़ है। देखिए, मैं इसलिए लॉन्च किया ना क्योंकि मैं सतीश कुशवाहा और जो मेरा दोस्त था उनसे इंस्पायर हुआ था, आज भी मैं उनका नाम लेता हूँ, तो मेरे थ्रू अगर कोई सीख जाएगा तो मेरा ही नाम लेगा इसीलिए। और वो रिस्पेक्ट ही अलग मिलता है जब लोग मिलते हैं ना मेरे थ्रू, ब्लॉगिंग बहुत लोग सीखे हैं तो वहाँ पे लोगों को मिलता हूँ, बोलते हैं कि पैर छूते हैं वो लोग कि भाई आपने के थ्रू आपसे मोटिवेट हुआ मैं ब्लॉगिंग सीखा। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा अपडेट डालता रहता हूँ स्टोरी मोटिवेशन के लिए, मैं 24 घंटा कभी खाली नहीं जाता, मैं हमेशा अपडेट डालता रहता हूँ, तो वहाँ से बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। मैं हर एक अपना पर्सनल लाइफ कहीं भी जाता हूँ वो सारा चीज़ मैं अपना स्टोरी शेयर करता हूँ सारा चीज़, तो यहाँ से लोग मोटिवेट होते हैं। तो मुझे यही है कि जैसे रोहित भाई का है कि मोटिवेट करके आप लोगों को कुछ कमाना, वैसे ही मेरा ही लक्ष्य है। सही बात है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं उसके लिए देखिए मेरी मेन मकसद क्या होता है, इसलिए मैं फ्री में हर एक चीज़ देता हूँ ज़्यादातर यूट्यूब पर, क्योंकि अभी देखो मेरे अपने चैनल पे चाहता तो ज्वाइन बटन सभी लोगों ने ऑन कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक ज्वाइन बटन ऑन नहीं किया है, क्योंकि मैं जो सिखाता हूँ वो मैं यूट्यूब पे, भाई मैं यूट्यूब पे हूँ अभी तक, तो यूट्यूब पे ही मैं देना चाहता हूँ। और मेरा मकसद क्या होता है कि गाँव का हर एक बच्चा वो पैसे कमाए, पढ़ाई कर रहा है वो भी पैसे कमाए, चाहे उसकी उम्र 12 साल हो 15 साल हो। वो देखिए जैसे अभी हिमांशु भाई बता रहे हैं कि इन सब सीखने के लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं कॉलेज में पढ़ना नहीं है, YouTube पे वीडियो बनाना, Facebook से पैसा कमाना, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना, ये सब सीखने के लिए कहीं जाना नहीं है, बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं। और जैसे एक एप्लीकेशन के बारे में बता दिए हैं हिमांशु भाई भी, ये भी बहुत अच्छा काम कर दिए हैं, बहुत बढ़िया है, और सही बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस आपसे निवेदन है कि देखो मेरे को भी, देखो मैं आपको बता दूँ जितनी ऑडियंस वीडियो देख रही हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि कोई बंदा गाँव से जो 250 रुपये रिचार्ज लिया, 250 रुपये दोस्त उधार लिया, आज उस लेवल पर है कि आज वो 1,00,000 रुपये कमा रहा है, 3 से 4 लाख रुपये महीने कमा रहा है, तो वो अगर आपको सिखा रहा है ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई। हिमांशु भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसी मेहनत करते रहो ताकि हमारी ऑडियंस आए। यार देखो मैं यही जाए, जो भी ऑडियंस आए किसी का कुछ धोखा ना हो, जो वो पैसा दे रहे हैं उनकी वैल्यू हिमांशु भाई आप देने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी टीम भी जरूर है, ठीक है। तो बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।